मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र में राजस्थान की कांग्रेस सरकार को लेकर एक सबसे बड़ी आशंका जता दी है। इस आशंका से यही लग रहा है कि अब राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के गिने चुने दिन रह गए हैं। उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर सिरोही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि उन्होंने सिरोही की बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए भी प्रोजेक्ट तैयार करा लिया है। यदि सरकार कायम रही तो वो जनवरी में भी इसे भी पूर्ण करवा लेंगे। लोढ़ा की ये आशंका स्पष्ट कर रही है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। वैसे लोढ़ा के इस बयान को दोहरे अर्थ में लिया जा रहा है। उनके ये बयान से यह स्पष्ट हो रहा है या तो राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे और उनकी जगह कांग्रेस के ही दूसरे नेता मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, या दूसरा कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जनवरी से पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी ढह जाएगी। और दोनों ही अर्थों में ये तो तय है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल के गिने चुने दिन बचे हैं, अंतिम प्रक्रिया में है। उम्मीद करता हूं अगर सरकार कायम रही तो जनवरी में उस काम को भी चालू करेंगे।